हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप फ्रेंड्स? आज हम लोग फाइनेंस बिल 2021 के थ्रू जो टैक्सेशन में चेंजेस प्रपोज हुए हैं उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली जो पुराना लॉ एप्लीकेबल था, नया चेंज क्या प्रपोज हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये जो आज का सेशन है ये प्रोफेशनल्स के भी काम का है, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी से आर्टिकलशिप चल रही है या जो लोग टैक्सेशन की पढ़ाई अभी स्टार्ट किए हैं उन लोगों के भी काम का है। सो दैट यू गेट एन आइडिया। दिस सेशन इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेवेंट फॉर एनी सीए एग्जाम, बट ये आपको एक जनरल नॉलेज आपका बढ़ना चाहिए कि इनकम टैक्स में और जीएसटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज दिस चेंजेस विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि इनकम टैक्स के जो चेंजेस है वो असेसमेंट ईयर 2022-23 से इफेक्टिव हो, तो दे विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर मई और नवम्बर 2021 एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन यस, आप में से जो स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यूज देंगे, जो क्वालिफाई हो गए हैं, सीए बन गए हैं, या जो इंटरमीडिएट लेवल पास करके आर्टिकलशिप ले जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स को पूरी लेटेस्ट चेंजेस पता रहना चाहिए। एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इस बार ये जो फाइनेंस बिल था, बहुत लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, तो गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से मैनेज किया है, हम यहाँ टैक्सेशन के प्रपोजल, बोथ इनकम टैक्स एज। तो लास्ट ईयर 2020 का जो बजट था और जो फाइनेंस बिल था, बाद में फाइनेंस एक्ट बना, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक चेंज लाया कि ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम ला लिया एक तरीके से। मतलब जो स्लैब रेट्स थे, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ला लिया। तो पुराने स्लैब रेट्स तो लागू थे ही, बट फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स लाइक इंडिविजुअल्स एंड एचओएफ, उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि दे कुड गो फॉर अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, एंड तो ये वाले ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स थे ये ले सकते थे। तो दिस बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आप जो इनकम कमा रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन है। यू कैन आइदर गो विद दिस ऑल्टरनेटिव सिस्टम, यहाँ पर आपको पहले 2.5 लाख तक के कुछ भी रेट नहीं है, उसके बाद में 5%, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख 10% रेट, देन नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15% रेट, देन 20% रेट, देन 25% रेट, देन 30% रेट। इस तरीके से स्टैगर्ड रेट्स उन लोगों ने टैक्सेशन के प्रपोज किए थे पिछले बजट में, जो कि एप्लीकेबल भी हो चुके हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। अब इसमें कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने सेम ऑप्शन अभी भी रखा है। दिस सेकेंड ऑल्टरनेटिव वॉज सब्जेक्ट टू मेनी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे जो डिडक्शन थे या एग्जेम्पशन थे वो ये वाले स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये तो इसमें कोई चेंज आया नहीं है, फिर भी मैंने स्लैब रेट्स के बारे में, हमेशा बजट में बात होती है तो मैंने ये आपको बता दिया। तो फाइनेंस बिल 2021 में भी उन्होंने न्यू असेसमेंट ईयर से संबंधित जो रेट्स बताए हैं वो सेम है एग्जैक्टली लाइक द फाइनेंस बिल 2020 और द फाइनेंस एक्ट 2020। तो जो ओल्ड स्लैब रेट्स है ये तो आपको पता ही है, अगर आप पूरे बेनिफिट्स लेना चाहते हो एग्जेम्पशन के, डिडक्शन के, तो आप ओल्ड स्लैब रेट्स के हिसाब से चल सकते हो, जिसमें अप टू 2.5 लाख कुछ टैक्स नहीं लगता है सीनियर सिटीजन के लिए, और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट और भी ज्यादा है। फिर 2.5 लाख टू 5 लाख अगर इनकम है तो वो वाले पोर्शन पे 5% लगता है, लेकिन अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है टोटल इनकम, तो उनको रिबेट का बेनिफिट मिलता है सेक्शन 87A का। तो ये सब जैसे पहले था वैसे ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 5 लाख से 10 लाख वाली रेंज पे 20% टैक्स, 10 लाख के ऊपर वाली रेंज पे 30% टैक्स। तो ये पहले की जैसा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं आपको ये और डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। फॉर दिस यू कैन रेफर टू माई वीडियो ऑफ लास्ट ईयर्स बजट, तो वो फाइनेंस फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए वो सेम एप्लीकेबल। अब जो चेंजेस आए हैं स्पेसिफिकली वो कहाँ कहाँ पर आए हैं वो हम लोग देखें। एक सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशंस का सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट 1960 सेक्शन 10 है, इट टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जेम्पशंस टू इनकम। तो ये वाले सेक्शन में लीव ट्रैवल कंसेशन की बात की गई है, जो हम लोग नॉर्मली सैलरी इनकम कंप्यूट करते वक्त निकालते हैं। जब असेसी को, जब एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर लीव्स करने के लिए लीव लेने के लिए, लीव ट्रैवल करने के लिए अलाउवेंस देता है, ओके, एम्प्लॉयर गिव सर्टेन कंसेशन और अलाउवेंस टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ट्रैवल। तो वैल्यू इन, अब उन्होंने क्या बोला कि जो वैल्यू इन ल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन है और असिस्टेंस रिसीव बाय और ड्यू टू सच इंडिविजुअल शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट अंडर दिस क्लॉज। इसका मतलब कि जो एक्चुअल ट्रैवल कंसेशन है
फॉर एक्चुअल ट्रेवल टू बी अंडरटेकन, वो तो पहले से ही एग्जेम्प्ट था सेक्शन 10(5) में. ओके, फोर इयर्स के ब्लॉक में टू ट्रेवल्स अलाउड थे टू एनी प्लेस इन इंडिया. असेसी अपनी फैमिली को भी लेकर के जा सकता है, एंड जो टू एंड फ्रो टिकट का कॉस्ट है, ओके, इट कुड बी रेलवेज, इट कुड बी एयर टिकट, तो उसमें इकोनॉमी क्लास के टिकट वगैरह तक का एग्जेम्पशन मिलता था. अब अगर एम्प्लॉय ने ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कुछ वैल्यू दे दिया है डायरेक्टली, ओके, उस ट्रैवल के रिस्पेक्ट में, इन लियू ऑफ द ट्रैवल, एक्चुअल ट्रैवल बिल्स तो नहीं है, तो वो वैल्यू भी एग्जेम्प्ट रहेगी, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस वो लोग प्रिस्क्राइब करेंगे. इनकम टैक्स के रूल्स में हम लोगों को वेट करके देखना होगा कौन सी कंडीशंस आती है इससे संबंधित. वन ऑफ द कंडीशन विल बी इंकरिंग सच एक्सपेंडिचर, इंकरिंग दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये हम लोग देखेंगे जब एक्चुअल में इसके रूल्स आते हैं. तो अब एक्चुअल ट्रैवल नहीं किया इम्प्लॉय ने उस साल, लेकिन इम्प्लॉयर से इन ल्यू ऑफ द ट्रैवल, वो ट्रैवल करने के लिए, वो ट्रैवल एक्सपेंडिचर के बदले में अभी अगर कुछ पेमेंट मिल जाता है एम्प्लॉय को, तो वो पेमेंट भी एग्जेम्प्ट रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ दोज लिमिट्स, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉय लेटर ऑन फुलफिल्स द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन. तो यह है सेक्शन 10(5) का अमेंडमेंट. तो इससे अमेंडमेंट से एग्जेम्पशन का स्कोप बढ़ गया है. इसका मतलब पहले जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी एग्जेम्प्ट होता था, अब एक्सपेंडिचर करने के लिए जो उसके बदले में वैल्यू मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट. देन सेक्शन 10(10)(d) which talks about any sum received, any sum including bonus received by an assessee under a life insurance policy. So section 10(10)(d) talks about exemption. So aapko life insurance policy ke respect mein jo bhi paisa milta hai wo normally exempt hota hai. Ab uske kuch exceptions hain. There are certain exceptions to that exemption. If there is some exception to the exemption, matlab wo amount taxable hota hai. To ab unhone exception aur ek yahan par la diya. To unhone kaha कि जो पर्सन ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, जिसको यूलिप कहते हैं, इशूड ऑन और आफ्टर 1st Feb 2021, जिसमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एक्सीड्स ₹2.5 lakh, तो वो पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो भी पैसा असेसी को मिलता है, दैट विल नो मोर बी एग्जेम्प्ट. इसके पहले भी कुछ पॉलिसीज, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज इस एग्जेम्पशन से एक्सक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीमियम का प्रपोर्शन एज कम्पेयर टू द परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड 10% से ज्यादा रहता है फॉर एनी ईयर, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी में भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता. और अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले इशू हुई थी, तो फिर 20% तक के आपका प्रीमियम का परसेंटेज रह सकता था. ओके, प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड, तो एग्जेम्पशन मिलता था. लेकिन उस लेवल से ज्यादा अगर कोई भी साल आपका प्रीमियम है, तो आपको एग्जेम्पशन ही नहीं मिलता. वो पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बाद में जो अमाउंट मिलता है उसमें, तो अब उन्होंने उस एक्सेप्शंस की लिस्ट में और एक आइटम ऐड कर दिया एक तरीके से. तो उन्होंने कह दिया कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है 1st February 2021 या उसके बाद में इशू होती है, जिसमें कोई भी प्रीवियस ईयर में प्रीमियम का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल सम अश्योर्ड ऑफ दैट पॉलिसी, वो पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो भी सम या बोनस मिलेगा असेसी को, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल नो मोर बी एग्जेम्प्ट. हाउएवर, सच एक्सेप्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन. मतलब कि अगर वो पर्सन की डेथ पे से जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है उसकी डेथ पे पैसा मिलता है नॉमिनी को, तो दैट विल बी स्टिल एग्जेम्प्ट. तो अगर डेथ पे पैसा मिल रहा है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट. जैसा कि प्रीमियम अगर परसेंटेज एक्सीड करता था, तब भी ये ऐसा ही क्लॉज था, अगर प्रीमियम स्पेसिफाइड परसेंटेज एक्सीड करता है, तो नॉर्मली उस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो पैसा मिला वो टैक्सेबल रहता है. बट अगर डेथ पे वो पैसा मिलता है, सो इट यूज टू बी स्टिल एग्जेम्प्ट. वैसा वो एग्जेम्पशन डेथ वाला यहाँ पर भी कंटिन्यू. और फर्दर यहाँ लिखा है कि अगर एक पर्सन एक से ज्यादा पॉलिसीज लेता है, इफ अ पर्सन पेज प्रीमियम फॉर मोर देन वन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 February 2021, देन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज यूलिप्स where aggregate premium does not exceed ₹2.5 lakh in any previous year during the term of any of these policies. So for example, आपने तीन policies लेके रखा है. एक policy का annual premium है से ₹1 lakh, दूसरी policy का annual premium है से ₹1,20,000, तीसरी policy का annual premium है से ₹1,80,000. तो individually कोई भी policy का जो premium है वो 2.5 lakh exceed नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग aggregate करें
इट इज डेफिनेटली एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। तो इसमें आप जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉलिसी है उसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो दो पॉलिसी का मिला करके जो एग्रीगेट अमाउंट है प्रीमियम का फॉर एनी प्रीवियस ईयर इज नॉट एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। बट थर्ड पॉलिसी के भी प्रीमियम को ऐड कर दोगे तो वो 2.5 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो इन दैट केस एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल। ओके, तो वो वाली पॉलिसी के थर्ड पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो असेसी हैज टू चूज कि भी कौन सी पॉलिसीज का प्रीमियम मिला करके 2.5 लाख के लिमिट तक के रहता है, तो वो पॉलिसीज में वो एग्जेम्पशन। फिर इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ पर होगा, कौन से हेड में होगा? तो उन्होंने कहा कि वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर अ यूलिप पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इज द फोर्थ प्रोविजो एंड दिस इज द फिफ्थ प्रोविजो। तो अगर एग्जेम्पशन से बाहर हो जाता है वो और अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस then such profits and or profits or gains arising from receipt of such amount by such person shall be chargeable to income tax under the head capital gains। So, ये policy के life के दौरान अगर कुछ आपको bonus मिलता है या maturity पर पैसा मिलता है तो that will be taxable under the head capital gains and it shall be deemed to be income of such person of in the previous year when such amount was received। Normally capital gains is applicable in the year of transfer of the capital asset, but ये एक उन्होंने exceptional subsection section 45 में insert किया है and उन्होंने कहा कि unit linked insurance policy जिसका amount received fourth proviso and fifth proviso के through exemption से बाहर हो गया है तो वो amount capital gain head में taxable रहेगा and it shall income on such amount shall be calculated in such manner as may be prescribed। तो उसके respect में income का वो लोग तरीका बताएंगे। तो mostly it will be covered under section 112A। अब वो rules में ये prescribe कहाँ करते हैं, prescribe करते हैं income tax के rules में कि भी exactly कौन से तरीके से कौन से rate से वो taxable। तो capital gains में आप लोगों को पता है कि special rates applicable रहते हैं many times, so it could be applicable। तो ये जो नीचे का part है ये capital gains से संबंधित है, लेकिन क्योंकि इसी exemption के exception के लिए था तो मैंने यहीं पर उसको mention कर। Okay, so this is what they have amended in the Income Tax Act Section 10 this part। फिर Section 10 के 11 and 12th वाले clauses में भी उन्होंने amendment ला दिया है। इसके heading से आपको कुछ समझ में आ ही जाएगा। वैसे तो Provident Fund के respect में जो आपको interest मिलता है, if that interest is related to contribution exceeding ₹2.5 लाख per annum, okay, in any previous year, तो वो interest now would be taxable। अभी तक के Section 10, 11 में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रिस्पेक्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता था दैट यूज टू बी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट विदाउट एनी कंडीशन। सेक्शन 10-12 में जो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो ईपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं या इनकम टैक्स में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में भी जो इंटरेस्ट मिलता है दैट यूज टू बी एग्जेम्प्ट, ओके, मोस्टली अंडर सेक्शन 10-12। बट अब क्या होगा, now the exemption shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount or the aggregate of amounts of contribution made by that person exceeding ₹2.5 lakh in any previous year in that fund on or after 1/4/2020। देखिए यहाँ पर वो contribution को taxable करेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। Your contribution will not become taxable, it cannot be taxable, क्योंकि वो तो आप अपना ही पैसा जमा कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में। तो इम्प्लॉयर जो जमा करता है उसके रिस्पेक्ट के लिमिट्स अलग हैं। ओके, अगर इम्प्लॉयर 12% से ज्यादा जमा करता है तो वो तो टैक्सेबल है सैलरीज के सैलरी हेड में। बट हियर यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी साल 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है तो वो जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जमा किया है उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कंट्रीब्यूशन पे जो आप इंटरेस्ट का पोर्शन कैलकुलेट करते हो तो वो इंटरेस्ट तो एवरी ईयर अक्रू होते रहेगा आगे भी, तो दैट इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल एवरी ईयर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको उसकी टैक्स से बचना है तो मेक श्योर दैट कोई भी एक साल में आप 2.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन न करो PPF में। और अगर आप इम्प्लॉई हो तो आप ध्यान रखो कि आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो
as far as my interpretation is concerned, I think it means total contribution by employer as well as employee. आपका अभी तक के accumulated contribution कितना रहा है, PPF का existing balance क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. But कोई एक particular year में अगर आपने जो amount contribute किया, if that is in excess of rupees 2.5 lakh, for example, मान लो आपने 3 लाख रुपए contribute कर दिया, तो उसमें जो ऊपर का 50,000 है वो भी टैक्सेबल नहीं रहेगा. वो 50,000 पे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, एज पर सेक्शन 10(11) फॉर स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एज पर सेक्शन 10(12) फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉइज. तो ये है सेक्शन 10 का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि एक आम आदमी को भी इफेक्ट करे. तो वी हैव टू टेक केयर. ये एक हेड ऑफ इनकम है जिसमें हमेशा बहुत लिटिगेशन रहता है. तो एक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो एक डिस्प्यूट हमेशा चलता था कोर्ट ऑफ लॉ में कि गुडविल पे डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो अब उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया है. सेक्शन 211 जो ब्लॉक ऑफ असेट्स की डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन को क्लियरली एक्सक्लूड कर दिया है. एंड इवन एक्चुअल कॉस्ट वगैरह का जो मीनिंग दिया है, वहां से भी गुडविल को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है. तो डेप्रिसिएशन विल नो मोर बी, डेफिनेटली नो मोर बी अवेलेबल ऑन गुडविल. तो जनरली हमको डेप्रिसिएशन जो है वो इंटेंजिबल असेट्स में मिलता है, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, ओके, और अदर सिमिलर अदर राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर उसमें मिलता है. लेकिन गुडविल के रिस्पेक्ट में कभी कभार कुछ डिसीजन कोर्ट के आए थे जिसमें गुडविल इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ डिसीजन आए थे जिसमें गुडविल इज नॉट एलिजिबल. दिस वॉज एन इशू विच नीडेड सम काइंड ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द लॉ मेकर्स इटसेल्फ. तो लॉ मेकर्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई ही कर दिया है कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपने गुडविल एक्वायर किया है किसी से या सेल्फ जनरेट किया, इन एनी केस आपकी बुक्स में दिख रही है, तो भी आपको उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं. हाउएवर, अगर आपने इस ईयर के पहले तक के गुडविल पे डेप्रिसिएशन लिया है, तो ये जो डेप्रिसिएशन आपने अभी तक के लिया है, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. स्पेलिंग गलत हो गई. इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुडविल व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स. मैं थोड़ा सा इस क्लॉज को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपके लिए लिखा. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक गुडविल परचेज किया था किसी और पर्सन से बाय पेइंग रुपीज 10 लाख रुपीज, और आपने ओवर द ईयर्स, क्योंकि 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन रहता है WDV मेथड के हिसाब से, तो 10 लाख पे आपने मान लो एक साल में 25% डेप्रिसिएशन ले चुके हो. तो अब आगे जाकर के आप ये गुडविल सेल कर रहे हो किसी को, से आपने 10 लाख में परचेज किया था, आपके लिए कॉस्ट थी रुपीज 10 लाख, बट आपने ऑलरेडी उसमें डेप्रिसिएशन ले लिया है 2.5 लाख, तो आपके लिए अब एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी 7.5 लाख, क्योंकि आपने 2.5 लाख का तो डिडक्शन CGBP हेड में ले लिया है. और आगे जाके मान लो आप उसको एक्चुअल में सेल कर देते हो, से फॉर रुपीज 12 लाख, यू सेल दैट गुडविल फॉर रुपीज 12 लाख, तो आपके हाथ में कैपिटल गेन्स जो है सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन एक्सेट्रा, शायद इसमें इंडेक्सेशन वैसे ही नहीं, तो इट विल बी रुपीज 4.5 लाख. तो कैपिटल गेन विल बी रुपीज 4.5 लाख दैट केस. तो ये तो खैर एक ही साल का था, तो वैसे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. तो आपको ये देखना है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट भले ही 10 लाख थी, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी तो कॉस्ट निल मानते हैं, और अगर अगर गुडविल परचेस्ड है, एक्वायर्ड है, तो उसकी कॉस्ट हम लोग परचेस कॉस्ट मानते हैं. बट अगर उस गुडविल में से आपने कुछ प्रीवियस ईयर 2021 के पहले आपने डेप्रिसिएशन लिया है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट में से माइनस करते हैं. ये उन्होंने प्रोविजन यहाँ पर प्रेस किया. फिर जो टैक्स ऑडिट है, जो कि सीए लोगों का जो टैक्स ऑडिट का सीजन होता है, इतना सारा टैक्स ऑडिट का काम रहता है, उसकी लिमिट उन्होंने लास्ट ईयर ऐसे असेसीज के लिए बढ़ा दिया था जिनका 5% से कम ही कैश, 5% से कम ही कैश ट्रांजेक्शन है, रिसीट्स एज वेल एज पेमेंट्स. तो ऐसे असेसीज के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से बढ़कर के पिछले साल 5 करोड़ हो गई थी बिजनेस जो कर रहे हैं. प्रोफेशनल असेसीज के लिए 50 लाख की लिमिट है. अगर प्रोफेशनल असेसीज का ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख के ऊपर है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है. और जो असेसीज बिजनेस करते हैं उनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना होता है. बट अब उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर वो असेसी का कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स के कंपैरिजन में 5% से कम है कैश का प्रोपोर्शन, मतलब बाकी सब डिजिटल मोड से, बैंकिंग मोड से हो रहा है, एंड इवन कैश पेमेंट्स, एंड लिखा है इवन कैश पेमेंट्स टोटल पेमेंट के 5% से कम है, तो ऐसे ही पर्सन्स को ऑडिट तभी करवाना है अगर उनका
जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है वो 5 करोड़ रुपीज एक्सीड होता है। अब उनके लिए एक और प्रोविजन आ गया कि अब उनको ऑडिट तभी करवाना है अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज एक्सीड होता है। तो दैट विल बी गुड फॉर दोज असेसीज जिनका जो काम है मोस्टली डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के थ्रू। बट जो असेसीज का 5% से भी ज्यादा आइदर पेमेंट या रिसीट्स का काम है कैश में, तो उन लोगों के लिए ये 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगी, उन लोगों के लिए 1 करोड़ की ही लिमिट एप्लीकेबल। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का जब आप ऑडिट एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो 5 करोड़ की लिमिट रहेगी, एंड जब आप असेसमेंट ईयर 22-23 का लिमिट देखोगे तब 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल। तो अभी इस प्रोविजन को लागू होने के लिए टाइम है, आई मीन इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। ऑलराइट, तो सीए लोगों का उतना काम और कम हो जाएगा, उतना ज्यादा चीजें बैंकिंग चैनल से होने लगेगी, धीरे धीरे सीए लोगों का वो सब काम कम हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जीएसटी में भी उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा जो पहले जीएसटी ऑडिट कंपलसरी था उसको उन्होंने हटा दिया है सेक्शन 35। तो अब जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस सिस्टम्स जहां पर प्रोफेशनल्स के मैनुअल वर्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम कर रहे हैं। इम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। अगर इम्प्लॉय से इम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट किया है टू डिपॉजिट विद द प्रोविडेंट फंड, तो टू मेक श्योर कि इम्प्लॉयर उसको जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कर दे, प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट के हिसाब से डिपॉजिट कर दे, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो करंट प्रोविजन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जब इम्प्लॉय से इम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कलेक्ट करता है, तो उस समय भले ही वो इम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटी है बट इट इज डीम्ड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम। उसको उसी समय इनकम मान लेते हैं इम्प्लॉयर की। अब उसका अगर इम्प्लॉयर को डिडक्शन चाहिए तो इम्प्लॉयर इज सपोज टू डिपॉजिट विद द प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर इम्प्लॉयर अगर उसको डिपॉजिट कर देता है तो फिर इम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन मिल जाता है। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट इज द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड। तो प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऐसी रहती है। तो अगर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक इम्प्लॉयर डिपॉजिट कर देता है तो इम्प्लॉयर को सेक्शन 36(1)(a) के हिसाब से डिडक्शन मिल जाता है, सेक्शन 36(1)(5)(a) के हिसाब से। लेकिन अगर इम्प्लॉयर ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं करता है तो इम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इम्प्लॉयर के इनकम में ऐड होती है, डिडक्शन कभी अलाउ ही नहीं होता है। डिडक्शन इज नेवर अलाउड इवन ऑन डिलेड डिपॉजिट। ये पुराना प्रोविजन ही था। नाउ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि एक हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर इम्प्लॉयर ने रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी डिपॉजिट कर दिया, उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट तक, तो भी इम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से कई असेसिस डिडक्शन लेना शुरू कर दिए थे। नाउ अगेन दे हैव इंसर्टेड एन एक्सप्लेनेशन देयर व्हिच डज नॉट मेक द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोविजन एज सच बट ओनली क्लैरिफाइंग व्हाट वॉज ऑलरेडी देयर। वर्डिंग्स भी देखिए उन्होंने लिखा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(b) शैल नॉट अप्लाई एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ड्यू डेट अंडर दिस क्लॉज। अब इसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 43(b) जो है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, इट टॉक्स अबाउट डिडक्शन ऑफ सर्टन एक्सपेंडिचर्स ओनली इफ दे आर पेड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर और अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अगर आपने सपोज प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने वो एक्सपेंडिचर जैसे कि कुछ टैक्स है, गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस का पेमेंट होता है, इम्प्लॉयज के बोनस और कमीशन का पेमेंट होता है, वहां पर इम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ भी आता है, तो अगर ये सब का पेमेंट, अगर आपने इंटरेस्ट का भी पेमेंट रहता है, इंटरेस्ट टू बैंक एक्सेट्रा, या आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है 2022, अगर तब तक के आपने पे कर दिया एक्सपेंडिचर तो आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में डिडक्शन मिल जाएगा। ओके डिपेंड्स, ओके आपका जो ड्यू डेट रहता है वो क्या है डिपेंड्स ऑन रिटर्न फाइलिंग प्रोविजंस। किसी किसी के लिए 31 जुलाई होता है, किसी किसी के लिए 31 अक्टूबर होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले ऐसी चीज के और भी बाद में होता है। तो अगर ड्यू डेट तक आपने ये सर्टेन पेमेंट्स किया तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपका अक्रूअल मेथड वाला अकाउंटिंग है तो भी कि कुछ पेमेंट्स तो ड्यू डेट तक पे करेंगे तो ही डिडक्शन मिलता है। ये हर एक पेमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, हर एक एक्सपेंडिचर पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि इम्प्लॉयज के जो रेगुलर सैलरी है या रेंट का खर्चा होगा आपका या जो आपके नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसका आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक, तो भी आप उसका अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले सकते हो।
ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम। बट ये जो सर्टेन पेमेंट सेक्शन 43B में उन्होंने लिस्ट डाउन किया है, जिसमें एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड कवर्ड है, तो उसका डिडक्शन तभी मिलता है अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक के डिपॉजिट किया। लेकिन उस प्रोविजन को उतना स्ट्रिक्टली नहीं रखा गया है, अगर उस ड्यू डेट तक नहीं किया, आगे का भी कर दिया, मान लो वो ड्यू डेट के बाद में या अगले साल, तो जिस साल किया उस साल डिडक्शन मिल जाता है। तो एटलीस्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाता है, कम से कम जब पेमेंट किया तब मिल जाता है भले। बट उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो डिडक्शन है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो डिडक्शन है, उस पर सेक्शन 43B नहीं लगेगा। इसका मतलब ये अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरा तो आपका डिडक्शन ही गया, यू विल नेवर बी अलाउड द डिडक्शन इवन ऑन एक्चुअल पेमेंट ऑफ दैट सम। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको टाइम पे ही डिपॉजिट करना है, आगे डिपॉजिट किया तो आपका वो प्रोविडेंट फंड में तो कंप्लायंस हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में आपकी सिर्फ इनकम मान ली गई है, डिडक्शन विल नेवर बी अलाउड। तो दिस वॉज ऑलरेडी देयर एंड नाउ दे हैव ओनली क्लैरिफाइड। तो अब कोई भी एम्प्लॉयर जो है, दे विल एंश्योर कि एम्प्लॉयज का जो पेमेंट है वो करना चाहिए। तो इन आर बजट स्पीच आर फाइनेंस मिनिस्टर हैड एक्सप्लेन कि अगर आगे जाकर के एम्प्लॉयर से पे नहीं कर पाता है तो एम्प्लॉयज का नुकसान हो जाता है, तो टू मेक श्योर एम्प्लॉयज डू नॉट लूज ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मनी, तो ये प्रोविजन को क्लैरिफाई कर दिया है। एंड एक्सप्लेनेशन 5 सेक्शन 43B के नीचे भी इंसर्ट किया है उन्होंने, और वहां पर भी लिख दिया कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अप्लाइड to a sum received by the assessee from any of his employees. So this will not apply to employees' contribution. Section 43B is applicable only to employers' contribution. It will not apply to employee contribution. Employee contribution pe section 36(1)(5)(a) hi apply hoga. Pehle bhi aisa hi tha. Section 43B, employer contribution pe apply. So it will be best agar employer dono ka hi payment time se kar de. लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है, प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट के बाद, तो इम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन का तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन या तो रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले किया तो उसी साल मिल जाएगा, और उसके बाद किया तो जिस साल पेमेंट किया उस साल। एटलीस्ट इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में लॉ उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अब TDS में उन्होंने दो तीन जगह मेजर चेंजेस किए हैं। एक नया सेक्शन 194P इंसर्ट किया है, TDS में उन्होंने सेक्शन इंसर्ट किया है, और इसके थ्रू उन्होंने जो वेरी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे पर्संस को उन्होंने एक बेनिफिट दिया है। देख लीजिए पहले तो ये किस टाइप के पर्संस के लिए है, ये जो प्रोविजन है फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल बींग अ रेसिडेंट इन इंडिया जिनकी एज 75 ईयर्स या ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, who is having income of the nature of pension and no other income except the income of the nature of interest, matlab jinki income mein sirf do hi type ki incomes hai, pension and interest, okay, received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income, matlab jis bank mein pension ka income aa raha hai, okay, former employer se, to usi bank mein wo person ka agar account hai jahan se usko interest mil raha hai, ओके, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन किया है या तो फिर सेविंग डिपॉजिट है, तो वहां से वो पर्सन को इंटरेस्ट मिल रहा है वेरी सीनियर सिटीजन को, तो वो बैंक को पूरा डिटेल्स पता है, वो बैंक को पता है कि वो पर्सन का पेंशन कितना है एंड वो पर्सन को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो देखिए एक जो न्यूज में मिसकोट किया जा रहा है, 75 ईयर प्लस वाले सिटीजन की इनकम को एग्जेम्प्ट बिल्कुल नहीं किया है, उन्होंने ये बोला है कि दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ रिटर्न फाइलिंग इफ they have only pension income and they have only interest income, और जो pension income है वो उसी bank में credit हो रही है, उसी account में उसी bank में credit हो रही है जिस bank में उनको जिस bank से वो interest ले रहे हैं, okay, same bank, and such a senior citizen has furnished a declaration to the specified bank containing such particulars as may be prescribed, तो bank को एक declaration भी देना होगा, तो वो जो bank है that bank will be notified by the government, तो वो पर्टिकुलर बैंक पेयर रहेगी ना इंटरेस्ट के, तो दैट बैंक विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑफ सच अ सीनियर सिटीजन अंडर द न्यू सेक्शन फॉर TDS सेक्शन 194P, जिसमें बोल दिया कि वो जो स्पेसिफाइड बैंक है वो उस पर्सन की रेगुलर इनकम कैलकुलेट करेगी, टोटल इनकम,
एंड फिर उस इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, बाय अप्लाइंग द रिबेट एप्लीकेबल इफ एनी अंडर सेक्शन 87A, ओके, एंड अदर प्रोविजंस. एंड फिर जो एक्चुअल में टैक्स आ रहा है उसके हिसाब से वो बैंक जो है उनका इनकम टैक्स डिडक्ट करेगी. सो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ 10% या 5% ऐसा कोई TDS का रेट नहीं बताया. उन्होंने बोला TDS और टैक्स डिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, ओके, आफ्टर द बैंक एस्टिमेट्स द पर्सन टोटल इनकम एंड देयर बाय द टैक्स लाइबिलिटी. तो बैंक्स के ऊपर में जिम्मेदारी डाल दिया. सो समवेयर दे हैव ईज्ड द कंप्लायंस बर्डन ऑन सच वेरी सीनियर पर्सन हु आर ओनली अर्निंग दिस इनकम. अब कोई सीनियर पर्सन की मान लो इसके अलावा भी कोई इनकम्स है तो उन लोगों को तो अपना रिटर्न फाइल करवाना ही पड़ेगा, मतलब खुद ही फाइल करना. तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग विल नॉट अप्लाई टू सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर सच असेसमेंट ईयर जिसमें उनका सेक्शन 194(p)(1) के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हुआ है. तो उस साल के लिए वो एग्जेम्प्ट रहेंगे. सो एग्जेम्प्ट इनकम से नहीं, एग्जेम्प्ट टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन से नहीं. तो आई होप ये प्रोविजन आपको क्लियरली समझ में आ गया है. तो एटलीस्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीए स्टूडेंट हम लोगों को एग्जैक्टली लॉ क्या बोलते हैं वो समझना चाहिए. वी शुड नॉट गो बाय व्हाट इज प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर्स और बीइंग टोल्ड ऑन द न्यूज चैनल्स, क्योंकि कई बार जो जर्नलिस्ट आपको न्यूज में एक्सप्लेन करते हैं दे देमसेल्फ डू नॉट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज. एग्जेम्पशन मतलब कि वो इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं टोटल इनकम में. एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग एक अलग बात होती है. तो ये वेरी सीनियर सिटीजन को टैक्स तो भरना है बट वो नहीं भरेंगे, उनका टैक्स उनके बिहाफ पे स्पेसिफाइड बैंक्स भरेंगे. सो दे हैव नॉट बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स. ये चीज आपको समझ. अब लास्ट ईयर से एक TCS का प्रोविजन लागू हुआ था, ओके, फॉर टू सर्टेन सेलर्स, ओके, जिन लोगों को टैक्स कलेक्ट करना रहता था ऑन पेमेंट्स एक्सीडिंग अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 lakh पर ईयर, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सेल्स. अब यहाँ पर उन्होंने सिमिलर टू दैट उन्होंने TDS का एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 194Q, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होगा, सी ए डे से लागू होगा, डॉक्टर्स डे भी है. उन्होंने क्या कहा कि एक बायर अगर एक सेलर से गुड्स खरीदता है, ओके, बायर परचेसेस गुड्स फ्रॉम द सेलर अप टू ₹50 lakh इन एग्रीगेट इन एनी प्रीवियस ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर ये ऐसा बायर है जिसका खुद का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹10 crore से ज्यादा था, ओके, जिसका टर्नओवर या सेल्स ग्रॉस रिसीट्स जो भी आपका 10 crore से ज्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस बायर को, द बायर कैन बी अ कंपनी और एन इंडिविजुअल और HUF फर्म, एनीबडी, अगर ये बायर ये रेसिडेंट सेलर से गुड्स खरीदता है, अभी तक के आप देखो पेमेंट परचेस ऑफ गुड्स पे TDS एज सच एप्लीकेबल नहीं था, ओके, TDS मोस्टली सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल था. बट अब उन्होंने क्या कर दिया कि बायर ऐसे गुड्स के रिस्पेक्ट में जब कंसिडरेशन पे करेगा एंड इफ सच कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹50 lakh इन अ प्रीवियस ईयर, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है तो उसको भी हम लोग एग्रीगेट कंबाइन करके देखेंगे सेलर वाइज कि वो सेलर से हमने टोटल परचेसेस कितने रुपए के किया है. तो सपोज कोई सेलर से आपने थोड़ा थोड़ा करके ₹70 lakh का परचेस किया है तो उसमें फर्स्ट 50 लाख तक के आपको टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50 लाख के ऊपर का जो पोर्शन है, 70 लाख का अगर कंसिडरेशन है तो जो ऊपर का 20 लाख का जो पोर्शन है, 20 लाख का 0.1% होता है ओनली ₹2000, इफ आई एम राइट, है ना, 20 लाख का 1% होता है 20,000, 0.1% होता है 2000. तो वो जो ऊपर का पोर्शन है 50 लाख के ऊपर वाला पेमेंट जो है उस पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर बायर को सेलर को पैसा देते वक्त 0.1% के रेट से टैक्स डिडक्ट करता है. द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ प्रोविजन इज कि ऐसे सेलर का डेटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए कि भाई आपने इतने के सेल्स किया है इसके हिसाब से ये बायर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है. तो दे आर नॉट मेनली कंसर्न अबाउट द टैक्स अमाउंट एज सच, 0.1% जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट हो गया उन्होंने रखा है रेट, लेकिन इससे क्या होगा सेलर की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक के पहुंच जाएगी जब ये बायर अपना TDS का रिटर्न फाइल करेगा उसके. तो ये इसका एप्लीकेबल इंपैक्ट है. और ये प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा, इफ टैक्स इज डिडक्टेबल, अगर TDS का प्रोविजन
कोई और टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, और इफ टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206, तो सेक्शन 206 सी जो है ये सेक्शन टीसीएस का सेक्शन है, इसमें बहुत सारे सबसेक्शन है जहां पर सेलर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड देन डिपॉजिट इट ओके अगेंस्ट द पैन ऑफ द बायर। तो अगर 206 सी में अगर टीसीएस एप्लीकेबल है तो आपको ये टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर अ ट्रांजेक्शन टू विच सेक्शन 206(c)(1)(h) अप्लाई। अब ये 1H कौन सा है, ये 1H इसी टाइप के ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होता है, लेकिन जहां पर सेलर का टर्नओवर, जहां पर सेलर का जो टर्नओवर है वो दैट इज मोर देन रुपीज 50 लाख, सॉरी सेलर का जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है दैट इज मोर देन रुपीज 10 करोड़, तो फिर सेलर इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बायर एंड TCS is liable to deposit it in the against the pan of the buyer. अब क्या होगा अगर by chance buyer का भी turnover 10 crore के ऊपर है and seller का भी turnover 10 crore के ऊपर है, तो buyer will be also liable to deduct tax and seller will be liable to collect tax. Okay, ऐसा provision बन रहा है because उन्होंने non applicability में इसको exclude कर दिया। इसका मतलब जहां पर section 206(c)(1)(h) apply हो रहा है वहां पर ये वाला section भी apply होगा if applicable at all, मतलब अगर seller का turnover 10 crore के ऊपर है and अगर buyer का भी turnover 10 crore के ऊपर है तो seller को tax collect करना होगा and buyer को tax deduct करना होगा। अगर buyer का turnover तो 10 crore से कम है पिछले साल का लेकिन seller का turnover 10 crore के ऊपर है तो seller को सिर्फ tax collect करना होगा। अगर buyer का turnover 10 crore के ऊपर है लेकिन seller का turnover 10 crore से कम है तो फिर buyer को सिर्फ tax deduct करना होगा, और अगर buyer seller दोनों का ही turnover 10 crore से कम है या तो फिर अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू ही 50 लाख से कम है साल भर के वो दोनों पार्टीज के बीच में, तो फिर ये टीडीएस या तो फिर वो टीसीएस ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज न्यू सेक्शन 194Q जो कि 1 जुलाई से लागू होगा, सो वी हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो जो पर्सन का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उन लोगों को इसकी तैयारी करना। उसके अलावा और उन्होंने इनकम टैक्स में क्या चेंजेस लाए, वैसे तो बहुत लाए हैं, मैंने पूरे चेंजेस यहाँ कवर नहीं किए हैं, मैंने कुछ मेजर चेंजेस आपके लिए यहाँ पर कवर। उन्होंने एक दो जगह डेट्स एक्सटेंड कर दिया है, जैसे कि सेक्शन 80EE का जो डिडक्शन था इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउस प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल मतलब कि जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये उन लोगों ने फाइनेंस एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, दिस वॉज एप्लीकेबल इनिशियली फॉर द लोन टेकन बिटवीन द पीरियड 1 April 2019 to 31 March 2020। लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया था, 31 March 2021 तक के लोन लिया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट पोर्शन का। अब उन्होंने ये डेट को फर्दर एक्सटेंड करके बोल दिया है कि भाई 31 March 2022 तक आप लोन लो इस टाइप के हाउस के लिए, प्रोवाइडेड आपके पास और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है लोन सैंक्शन के दिन और वो रेसिडेंशियल हाउस है, तो आपको 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट का इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का, प्रोवाइडेड दैट इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन अंडर सेक्शन 24, बिकॉज सेक्शन 24 भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन अलाउ करता है, राइट, इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 भी अलाउ करता है, इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो एक सर्टेन लिमिट तक के अलाउ करता है, तो सेक्शन 24 में जो अलाउड लिमिट है उससे भी ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन पे तो आपको वो भी डिडक्शन अप टू 1.5 लाख पर ईयर आपको मिल। ओके, सो कंडीशन इज दैट लोन शुड हैव बीन सैंक्शन बिटवीन दिस पीरियड, आपका हाउस हो सकता है इसके बाद में रेडी हो तो चलेगा लेकिन लोन आपका इस पीरियड में सैंक्शन। ऑलराइट, तो ये बस यहाँ पर डेट एक्सटेंड क्या है ये इसका इम्पैक्ट। देन सिमिलरली जो एक स्टार्टअप्स के रिस्पेक्ट में डिडक्शन का सेक्शन था, आई थिंक सेक्शन 80IAC, उसमें भी उन्होंने एक साल से लिमिट एक्सटेंड किया है, टाइम लिमिट 31 March 2022 तक के एक्सटेंड कर। अब डिविडेंड इनकम, आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल से डिविडेंड इनकम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि डोमेस्टिक कंपनीज को डिडक्शन पे करना रहता था तो वो अबॉलिश हो गया है पिछले साल से, एंड डिविडेंड इनकम हैज बीन मेड टैक्सेबल नॉर्मली एज इफ इट इज अ नॉर्मल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द असेसी। ओके, एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E जिसपे दूसरे प्रोविजन एप्लीकेबल अभी भी है, बट नॉर्मली डिविडेंड इनकम पे असेसी को अब टैक्स भरना है।
इसके पहले वाले साल तक था कि 10 लाख के ऊपर अगर एग्रीगेट में साल भर में डिविडेंड मिलता है तो वो पर्सन को टैक्स भरना है। अब पिछले साल से हो गया था, आई मीन प्रीवियस ईयर 2021 से हो गया था कि अगर डिविडेंड मिलता है तो उस पर टैक्स भरना है, खत्म बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। तो अब उन्होंने एक चीज क्लैरिफाई किया कि जब आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तो यू हैव टू एस्टिमेट योर इनकम। नाउ इट विल नॉट बी इजी फॉर एन असेसी टू एस्टिमेट इज डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज इन विच ही हैज ऑफ विच द शेयर्स ऑफ विच ही हैज परचेस्ड एंड ही कैनॉट प्रेडिक्ट ऑल ऑफ दैट विथ सर्टेनिटी एट द बिगिनिंग व्हाइल एस्टिमेटिंग हिज एडवांस टैक्स। तो अब जैसे कि कुछ पहले के बाकी के इनकम्स में भी ये प्रोविजन था, जैसे कैपिटल गेम्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गेम शोज एटसेट्रा, बिजनेस इनकम अराइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये सब केस में भी क्योंकि प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं था, डिफिकल्ट था, तो उन्होंने एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के लिए ऐसे इनकम्स को स्टार्टिंग से कंसिडर नहीं किया तो भी चलता था, ऐसा कहा था। तो उन्होंने कहा था कि सच इनकम्स नीड नॉट बी कंसिडर्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, दे कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट विच इज गोइंग टू कम आफ्टर सच इनकम हैज बीन रिसीव्ड। तो ये इनकम जब आपको मिल जाती है या जब आपकी इनकम कंफर्म हो जाती है उसके बाद अगर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट आ रही है तो आप उसमें इसको इंक्लूड कर लो। तो कैपिटल गेन्स हैं, कैजुअल इनकम्स हैं, बिजनेस इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, डिविडेंड इनकम है। अब डिविडेंड इनकम के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर एक यहाँ पर उन्होंने उसको इंसर्ट कर दिया प्रोविजो में पॉइंट। पहले सिर्फ 10 लाख के ऊपर वाले डिविडेंड इनकम के लिए पॉइंट था, अब तो डिविडेंड इनकम नॉर्मली टैक्सेबल हो गई है, तो डिविडेंड इनकम भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो उन्होंने कह दिया कि भाई जब जब ये डिविडेंड इनकम कंपनी डिक्लेयर करेगी या पे करेगी तो उसके बाद ही आप, उसके बाद जो आपके एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट आएगी, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट नॉर्मली साल में 4 बार आती है, 15th जून, 15th सितंबर, 15th दिसंबर एंड 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपकी डिविडेंड इनकम मान लो पहली 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आपको पता चलती है स्टेज पे, तो यू शुड कंसिडर इट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इन लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, बट यू नीड नॉट पे एनी इंटरेस्ट इफ यू हैड नॉट कंसिडर्ड दैट डिविडेंड इनकम इन द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं था। तो आपका जो सेक्शन 234C का इंटरेस्ट लाइबिलिटी आता है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स, तो वो ऐसे डिविडेंड इनकम के नॉन एस्टिमेशन के कारण नहीं आएगा। ओके, जस्ट लाइक कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम, बिजनेस इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम पे नहीं आता था, वैसा ही। तो एक बार ये इनकम अराइज हो गई तो उसके बाद में फिर वो इनकम को आपको कंसिडर करना है फॉर द फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन ये इनकम को आप स्टार्टिंग में आप इसको कंसिडर नहीं किए तो चलता है जब तक कि वो डिविडेंड डिक्लेयर या पे नहीं होता। ओके, डिविडेंड इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी, ऐसा सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। और इनकम टैक्स में और छोटे बड़े अमेंडमेंट्स और क्या क्या हैं, तो एक तो उन्होंने जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने का या हॉस्पिटल्स रन करने का काम होता है, तो उनको सेक्शन 1023C में सब्जेक्ट टू कंडीशंस उन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। तो पहले लिमिट थी कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज तक के हैं, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जेम्पशन था। ओके, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन, 100% एग्जेम्पशन। अब उन्होंने वो 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपीज कर, तो सेक्शन 1023C में अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उनके लिए लिमिट 5 करोड़ रुपीज हो गई। फिर असेसमेंट रीओपन करने की टाइम लिमिट पहले 6 ईयर्स की थी। ओके, आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 6 ईयर्स तक के असेसमेंट को रीओपन किया जा सकता था। अब सेक्शन 149 में उन्होंने लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 6 ईयर्स इट विल बी ओनली 3 ईयर्स। ओके, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पर 50 लाख से ज्यादा का कंसीलमेंट का, इनकम कंसीलमेंट का अगर एविडेंस है तो वो केस में टाइम लिमिट 10 ईयर्स की रहेगी, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टाइम लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर्स टू 3 ईयर्स। तो दिस इज अ वेलकम मूव क्योंकि फ्रॉम द एंगल ऑफ टैक्स पेयर्स उन लोगों को उतने ही साल का अब सर्टेनिटी रहेगी कि भाई वो असेसमेंट हो गया है। एक बार वो 3 साल का टाइम लैप्स हो जाता है तो फिर रीओपन नहीं होगा। एंड सेक्शन 44ADA जो है फॉर जो प्रिजम्प्टिव इनकम इन द केस ऑफ प्रोफेशन है, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि इट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLP। ओके, इवन सेक्शन 44AD जो है इट यूज टू बी एप्लीकेबल ओनली टू दीज 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब सेक्शन 44ADA जो है
that is also now applicable only to these persons. I hope you remember 44ADA talks about disclosing at least 50% income out of your total receipts as your profession. So, फिर आपको फिर books of account maintain करने की ज़रूरत नहीं. So, these were the major amendments in income tax. Okay, इससे संबंधित आपको कुछ भी queries रहेगी तो आप मुझे बता सकते हैं, आप comment में लिख सकते हैं, आप मुझे अलग से contact करके बता सकते हैं. अब GST में, CGST Act में उन्होंने कुछ amendments propose किए हैं, तो वो भी हम लोग discuss कर लेते हैं. Because direct tax and indirect tax दोनों ही अब काफी दोनों का ही स्कोप काफी बढ़ चुका है. तो सीजीएसटी एक्ट में अभी अमेंडमेंट्स कब से लागू होंगे, when these sections will be made effective, वो तो बाद में नोटिफाई होगा, बट ये अमेंडमेंट्स आएंगे जरूर. पिछले दो साल से जो फाइनेंस एक्ट आ रहा है उसके अमेंडमेंट्स अगले साल के 1 अप्रैल या 1 फरवरी या 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो वी डोंट नो कि ये जो फाइनेंस बिल 2021 है इसके अमेंडमेंट्स 1 जनवरी 2022 से लागू होते हैं या उसके पहले लागू होते हैं, वी डोंट नो. बट एक बार आप पढ़ सकते हैं, मैंने 6 मेजर जीएसटी के रिलेटेड अमेंडमेंट्स यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं. उसके अलावा भी और हुए हैं अमेंडमेंट्स, तो वो आप चाहे तो फाइनेंस बिल 2021 डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से देयर एंड इंडिया बजट की साइट में जाकर के, और आप पूरे अमेंडमेंट्स को खुद से देख सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं. तो इनकम टैक्स में भी मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर नहीं किया, आप अगर देखते हो तो 79 अलग अलग सेक्शंस में इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुए हैं. जीएसटी में कस्टम्स के तो मैंने डिस्कशन नहीं किया आपके साथ में, जीएसटी में भी देखा जाए तो इतने सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है, बट आई हैव कवर्ड ब्रॉडली ओनली 6 अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू जीएसटी हियर. ओके, जो ऑपरेशनल पार्ट से संबंधित, एक उन्होंने सेक्शन 7(1) जो सप्लाई वाला सेक्शन है, सप्लाई इंक्लूड्स वाला सेक्शन है, उसमें उन लोगों ने एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है सेक्शन 7(1) में, इसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया, स्पेसिफाई किया या इंक्लूड किया एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉडी है या कोई एसोसिएशन है, अगर वो अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो दैट विल बी डीम्ड टू बी अ सप्लाई. उन्होंने ये चीज क्लेरिफाई कर दिया, एंड व्हेनेवर इट विल बी मेड एप्लीकेबल इट विल बी इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट व्हेन जीएसटी केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2017. तो सप्लाई के डेफिनेशन को उन्होंने क्लेरिफाई किया, तो इवन जो पुराने इयर्स में लोगों ने अगर इसका कुछ मिसयूज किया होगा कि भाई ये तो सप्लाई नहीं है, तो उन्होंने क्लेरिफाई किया. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ. देखिए, कई कई लॉज में फॉर एनी सम अदर पर्पस वो बॉडी और उसके मेंबर्स को अलग नहीं मानते हैं. ओके, लेकिन जीएसटी में अगर एक बॉडी अपने मेंबर्स को या मेंबर अपनी बॉडी को सर्विसेज या गुड्स देता है तो उसको अलग मानेंगे. ओके, दे विल बी डीम्ड टू बी कैरिंग इट आउट इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस. तो उन्होंने कह दिया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ और जजमेंट डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट persons. वो जो एसोसिएशन या बॉडी है और उसके जो मेंबर्स हैं दे शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट persons. एक दूसरे को सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, ऐसा ही क्लियर कट माने. एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज ऑफ टू और ट्रांजेक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर. सो इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट. मे बी लॉ मेकर्स हैव एक्सेप्टेड कि उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने पहले इससे संबंधित जो पॉइंट था वो शेड्यूल 2 में रखा था, पर शेड्यूल 2 का जो काम था दैट वाज ओनली टू क्लेरिफाई कि वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विसेज का है. शेड्यूल 2 ये नहीं बताता था कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, तो वो सेक्शन 7(1) में कवर्ड थी वो बातें. तो शेड्यूल 2 ने सिर्फ ये क्लेरिफाई किया कि वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विसेज का. तो पहले शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 7 में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस ने अपने मेंबर को अगर गुड्स सप्लाई किया तो उसको गुड्स का सप्लाई मानेंगे, ऐसा लिखा था. लेकिन शेड्यूल 2 में वो पावर्स नहीं थे ये बताने के कि उसको सप्लाई मानेंगे. शेड्यूल 2 सिर्फ ये बताता था कि वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज. तो अब उन्होंने ये जो पैरा 7 है शेड्यूल 2 का उसको ओमिट ही कर दिया टोटली, अगेन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, एक साथ से ओमिट कर दिया, एंड उन्होंने उसको यहाँ पर सेक्शन 7(1AA) में प्रॉपरली इंक्लूड कर लिया. तो ये पहला अमेंडमेंट, या ये दो मेन चेंजेस सीजीएसटी में आ गए हैं रेट्रोस्पेक्टिवली. अब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित है,
जिन असेसीज का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था उनके लिए एप्लीकेबल हुआ था कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरफ से जीएसटी ऑडिट। ओके, फिर उनको जीएसटी ऑडिट का रिपोर्ट भी फर्निश करना होता था एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी। लेकिन एक्चुअल में जब अप्लाई हुआ था इसका प्रोविजन, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इट वॉज एक्चुअली मेड इफेक्टिव ओनली फॉर दोज पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था। ओके, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर तो उनका ऑडिट तो हुआ, सीए लोगों ने भी ऑडिट्स किए हैं एंड ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया, बट अब उन्होंने ये सेक्शन 35 का जो सबसेक्शन 5 है उसको ओमिट कर दिया, सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट है। ओके, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 शैल बी ओमिटेड, खत्म हुआ। तो अब ये कब से इफेक्टिव होगा? मे बी इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑडिट विल बी एप्लीकेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, बट मे बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 दिस ऑडिट मे नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, ये चेंज जब से भी इन्फोर्स होता है तो हमको क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले लिखा था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सीए लोगों को काफी दिक्कत होती थी वो डेटा रिकनसाइल करने में और मैनेज करने में, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज फेस्ड, डेडलाइंस उसकी बहुत बार बढ़ती गई, लेकिन अल्टीमेटली अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि देयर इज नो नीड फॉर सीए ऑडिट। उसके बदले में उन्होंने क्या किया, एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन है सेक्शन 44 जो उस रजिस्टर्ड पर्सन पे ही जिम्मेदारी देता है, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही जिम्मेदारी देता है दैट सच पर्सन नीड्स टू फाइल एनुअल रिटर्न ओके फॉर एवरी ईयर। उन्होंने कह दिया, उस सेक्शन को ही अमेंड कर दिया टोटली, फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टीडीएस कट करती हैं, और अंडर सेक्शन 52 मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करती हैं, और अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये कैटेगरी को छोड़ दो, ये चार टाइप के पर्सन को छोड़ दो, तो बाकी हर एक पर्सन को एक एनुअल रिटर्न फर्निश करना होगा। पहले भी था एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर GSTR 9 में, तो एनुअल रिटर्न फर्निश करना होगा। ऑब्वियसली ये फॉर्म अब आगे चेंज हो जाएगा, विच मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब ये नई चीज आ गई है, तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो दिस विल बी नाउ द बर्डन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, उसको ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा विच विल रिकन्साइल द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली within such time and in such form and in such manner as may be prescribed. Act में इतना ही लिखा हुआ है और ये दो provisions हैं आगे जो मैं आपको। तो इसका मतलब उन्होंने उस person पे ही अब जिम्मेदारी डाल दिया कि आप self-certified reconciliation statement दे दो। तो इसका मतलब अब mandatory नहीं है कि वो person को एक chartered accountant या cost account की sign लेना है या उसके through ही audit करवाना है। Rather अब audit तो हट ही गया है बोल सकते हैं, अब वो person पे responsibility आ गई है। स्टिल आई थिंक दे विल टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स का जो वैल्यू है आई डोंट थिंक कि कम हो जाएगा, बिकॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड रिकन्सिलेशन रहते हैं जो हर क्लाइंट खुद से नहीं कर पाएगा। सो आप इसमें भी वो लोग फिर लिमिट देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वर्ड बोला विच मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड, विच विल इंक्लूड ऐसा नहीं बोला, विच शैल इंक्लूड ऐसा नहीं बोला। तो मे बी जिनका टर्न ओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है उनको बोलेंगे कि आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दो, जिनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है उन लोगों से रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो उनका जो ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट है दैट विल हैव टू बी, उसका जो टर्नओवर है दैट विल हैव टू बी रिकंसाइल्ड विद द वैल्यू ऑफ सप्लाईज एज पर द जीएसटी रिटर्न। ओके, उसको उन लोगों को रिकंसाइल करके एक एनुअल रिटर्न के साथ साथ एनुअल रिटर्न के ही अंदर सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहेगा, उसको भर के देना रहे। तो अब चीजें क्लियर होगी जैसे जैसे ये गवर्नमेंट ये सब जो विच में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है उसको प्रिस्क्राइब करती है फॉर्म्स को। तो खैर आई थिंक इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आई डोंट थिंक कि वो 18-19 के तो डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, 19-20 के लिए आई डोंट थिंक इट विल बी एप्लीकेबल, 19-20 के लिए जैसा पहले था वैसे ही चलेगा। मे बी फॉर द ईयर 21-22 इट मे बिकम, और 2021 इट मे बिकम एप्लीकेबल, लेट अस सी। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल by notification exempt any class of persons from filing the annual return. So commissioner ko power de diya hai GST council ke recommendation se, commissioner can exempt a certain class of persons from this provision.
फर्दर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हूज बुक्स ऑफ अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सच सीएजी फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ. सो दिस एनुअल रिटर्न प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज जिनपे सीएजी की तरफ से ऑडिट होता है, ओके, या सीएजी के द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर उनको ऑडिट करता है, तो उनके ऊपर में ये एनुअल रिटर्न का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ओके. लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक्सक्लूसिव टेरिटरी थी सीएस एंड सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये नाम पे भी सीए, दोनों सीए इंस्टीट्यूट का झगड़ा होते रहता है, ओके. आईसी कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने भी अपना नाम आईसीएआई रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने भी अपना नाम आईसीएआई रखा है, तो उस बीच में कुछ उनके आपस में लिटिगेशन हुआ था. लेकिन खैर दीज आर टू प्रोफेशनल बॉडीज, बट ये दोनों का ही काम यहाँ पर कम हो चुका जो मैंडेटरी वर्क था. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आप लोगों को पता होगा कि आईटीसी के रिस्पेक्ट में बहुत चेंजेस इवन ड्यूरिंग द ईयर आते गए 2020-21 के बीच में भी, ओके. ऐसा नहीं है कि जीएसटी में सभी चेंजेस सिर्फ फाइनेंस बिल से आते हैं, जीएसटी में चेंजेस जो है वो फाइनेंस बिल के अलावा बाकी टाइम पे भी आते रहते हैं. तो आईटीसी से संबंधित गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर चेंज इफेक्टिव किया था कि आपने आपके जो इनवर्ड सप्लाईज हैं, ओके, उसमें से आपके जो सप्लायर्स ने, इफ यू आर अ रेसिपिएंट यू आर टेकिंग सप्लाईज फ्रॉम वेरियस पर्संस, तो आपके अगर सप्लायर ने उसका डिटेल फर्निश कर दिया है तो आपको वो आपके फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2A में दिख जाता है, तो आप उसका तो आईटीसी ले सकते हो. और आपके कुछ कुछ सप्लाईज होंगे जिसके रिस्पेक्ट में सप्लायर ने अभी तक के, जब आपको आईटीसी लेना है तब तक के वो उसके आउटवर्ड सप्लाई के डेटा में फर्निश नहीं किया है, तो आप ऐसे सप्लाईज का भी इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले सकते थे. बट इनिशियली इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड, इट वॉज मेड रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, ओके, 20% ऑफ द सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिटेल्स वर मेड अवेलेबल बाय द सप्लायर. तो अगर सपोज आपके टोटल सप्लायर ने सपोज 5 लाख रुपए का डिटेल्स अवेलेबल करवाए हैं अलग अलग सप्लायर्स ने मिलाकर, ओके, 5 लाख का क्रेडिट आप उसके बेसिस पे ले सकते हो जो सप्लायर ने डिटेल भरा है. उसके अलावा आपके मान लो 3 लाख ऐसे परचेजेस हैं जो सप्लायर ने अभी तक के डिटेल अपलोड नहीं किया है उनके आउटवर्ड सप्लाई में, तो आपको जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा है, तो आप ये पूरे 3 लाख का क्रेडिट नहीं ले सकते थे. इनिशियली ये क्रेडिट सिर्फ आप 5 लाख के 20% तक के, मतलब 1 लाख रुपीज तक ले सकते थे. फिर बाद में उन्होंने उस 20% को भी कम कर दिया था, आई थिंक 1 जनवरी 2021 से उन्होंने उसको कम करके 10% कर दिया कि आप सिर्फ 10% तक क्रेडिट ले सकते हैं. मतलब अगर 5 लाख रुपीज तक के इनवॉइसेस या 5 लाख रुपीज तक के आईटीसी से संबंधित डिटेल्स अपलोड हुआ है और बाकी का डिटेल्स अपलोड नहीं हुआ है तो आप 50,000 रुपीज का और क्रेडिट ले सकते हैं, ओके, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर बिल्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस दैट यू हैव, बट उससे ज्यादा नहीं. अब उन्होंने एक्ट में ही एक बहुत मेजर अमेंडमेंट कर दिया और उसमें लिख दिया कि आप उन्हीं इनवॉइस या डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो जिसका डिटेल सप्लायर ने फर्निश किया है, एंड इन देयर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37. बहुत बड़ा चेंज है ये. इसका मतलब अगर आपका सप्लायर ईमानदारी से टैक्स भरता है, अपने जीएसटीआर 1 में वो डिटेल्स अपलोड करता है, तभी वो आपको आपके जीएसटीआर 2A में बताया जाएगा एंड तभी आप उसका क्रेडिट ले पाओगे. तो अब जो प्रोविजनल क्रेडिट का कंसेप्ट था, प्रोविजनल आईटीसी का कंसेप्ट था एक तरीके से, अब वो स्क्रैप हो जाएगा. कब से ये इफेक्टिव होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये स्क्रैप हो जाएगा. इसका मतलब कि बाद में गवर्नमेंट को मैचिंग का कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा, तो क्रेडिट अलाउ करते वक्त ही गवर्नमेंट मैच करके ही दे रही है. तो आपके जो जीएसटीआर 2A में ये सप्लायर ने उनका आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल भरा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसमें से आपको जो क्रेडिट्स एलिजिबल लगते हैं उतने आप क्रेडिट्स ले सकते. उसके अलावा अगर आपने ऐसे कुछ सप्लायर से परचेसेस किया है जिन्होंने अपना जीएसटीआर 1 अभी तक फाइल नहीं किया या आपका सप्लाई मेंशन नहीं किया, तो वो सप्लाई के रिस्पेक्ट में आपको अपने सप्लायर से झगड़ना पड़ेगा, आपके अपने सप्लायर को फोर्स करना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी वो रिटर्न अपलोड करो सो दैट आप उसका क्रेडिट ले. तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो देखना होगा. मे बी इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज ऑन वर्किंग कैपिटल,
क्योंकि क्रेडिट ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि एज अ रेसिपिएंट आप अपने सप्लायर को तो इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट पेमेंट कर देते हो, और अगर सप्लायर की गलती से आपको क्रेडिट नहीं मिलता है उस महीने के टैक्स पेमेंट के टाइम पे, आपका उतना वर्किंग कैपिटल एक्सेस वहां पर कैश पेमेंटली यूज हो जाता है। तो दिस इज नॉट अ फेवरेबल अमेंडमेंट, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, बिकॉज जीएसटी वॉज सपोज टू बी सिस्टम ऑफ सीमलेस क्रेडिट, है ना, जिसमें आपको विदाउट एनी डिफिकल्टी क्रेडिट मिल जाएगा, बट यहाँ पर आप सप्लायर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। नाउ इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जेन्युइन सप्लायर्स, जो ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन लोगों से ही आप परचेसेस। और जीएसटी के लॉ में कंप्लायंस, एक क्रेडिट रेटिंग का भी मैकेनिज्म उन्होंने प्रपोज किया था, तो सप्लायर की क्रेडिट रेटिंग भी दिखती है। सो इट्स बेटर कि आप जो ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं उनसे करो, या अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी एंटिटी हो, तो आप जीएसटी का पोर्शन रोक सकते हो ऐसे पर्सन को पे करने के लिए, कि भाई जब तुम अपना रिटर्न फाइल करोगे हमको वो जीएसटी आर 2A में दिखेगा, तभी हम आपको जीएसटी का पेमेंट करेंगे। इस तरीके का कंडीशन बड़ी बड़ी कंपनीज अब छोटे सप्लायर्स पे रख सकते हैं। ओके, एंड एक और प्रोविजन जो कि अगेन कुछ कोर्ट डिसीजंस के बाद में और फिर बाद में लोगों की डिमांड पे आया था, कि इंटरेस्ट शुड बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द नेट लाइबिलिटी, नॉट ऑन द ग्रॉस लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपकी सपोज रुपीज 1 लाख, लेकिन आपके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है से रुपीज 40,000, तो आपकी नेट कैश लाइबिलिटी कितनी है जो आपको कैश में पे करना है, दैट विल बी ओनली रुपीज 60,000। तो ओरिजिनली जो जीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 50 इंटरेस्ट की बात करता था, दैट इंटरेस्ट एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज टू बी एप्लीकेबल ऑन दिस 1 लाख, ओके, एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, जो अगर आपने डिलेड पेमेंट किया था। बट फिर उन्होंने इंसर्ट किया था कि 30 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द नेट लाइबिलिटी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोविजो आया था इसको उन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2017 लागू कर दिया। तो इट हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1st July 2017। तो मतलब जब से जीएसटी आया तब से, तो एक तरीके से ये अच्छा कर दिया, दिस हैज ईज्ड द बर्डन, बिकॉज आपके पास क्रेडिट है और जस्ट बिकॉज आपने कैश का पोर्शन बाद में पे किया। और अनदर एग्जांपल जहां पर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, मान लो 1 लाख का लाइबिलिटी था और आपके पास में ITC था, मान लो 99,000 का, आपकी नेट कैश लाइबिलिटी थी सिर्फ रुपीज 1,000, तो आपको पहले 1 लाख पे 18% के हिसाब से उतने पीरियड के लिए, सपोज से 90 डेज का डिले हुआ तो 90/365 उतने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था, बट अब ये सारे इंटरेस्ट से आप बच जाओगे। तो उस पीरियड का अगर भले ही आपने टैक्स का पेमेंट डिले किया है, तो भी जो नेट कैश में आप पोर्शन पे कर रहे हो उसी पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। ओके, बिकॉज इन एनी केस ITC तो गवर्नमेंट के पास में आपके नाम से जमा ही था ना, बस आपने वो यूटिलाइज नहीं किया था। So now it has been actually rationalized and it is a good welcome move कि उन्होंने उसको retrospectively 1 July 2017 से कर दिया है। तो कुछ amendments favorable है, कुछ amendments से और law strict हो जाता है। Good and simple tax बोला गया था GST को, but then after 3.5 years still GST is not a simple tax, maybe a good one but not a simple tax। GST का collection, record collection हुआ last month में, even income tax के रिटर्न फाइलर्स का डेटा, रिटर्न फाइलर्स का फिगर्स हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था कि 2014 में 3 point some crores थे, अभी 6 point some crores हो गए हैं। बट देन स्टिल देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी टैक्स कंप्लायंसेस एंड ईज ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह और होना चाहिए। तो अभी GST में भी जो रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम है उसको ईज किया जाएगा, ई इनवॉइसिंग धीरे धीरे सबके लिए लागू हो जाएगी, तो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट वी शुड बी रेडी फॉर द चेंजेस विच आर कमिंग। ओके, मैं तो बस वेट करते रहता हूँ कि कब और नया अमेंडमेंट आएगा और मुझे उसको समझ करके इनकॉर्पोरेट करना है नोट्स में एंड देन किसी को भी एडवाइस देना है। बिकॉज अगर आप अपडेटेड हो तो आपकी वैल्यू है, अगर आप आउटडेटेड हो तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो गई। तो आपको जो भी लेटेस्ट चीज आती है वो समझना चाहिए। सो इनकम टैक्स में भी उन्होंने इसके अलावा और भी अमेंडमेंट्स लाए हैं, जैसे कि जो इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल है वो फेसलेस करने वाले हैं आफ्टर फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर बाद में। उसके अलावा प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स रहेंगे,
है ना, जिसमें आपके बहुत सारी फील्ड्स जैसे कि कैपिटल गेन्स फ्रॉम शेयर्स, एनपीएस की इनकम, ऐसी कुछ फील्ड्स पहले से ही फील्ड रहेगी, उसको आप बाद में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ बेटर कंप्लायंसेस एंड ईज ऑफ टैक्सेशन, बट वी आर नॉट देयर येट. ओके, अभी बहुत, देर इज अ लॉन्ग वे टू. तो इस बार टैक्सेशन में देर वॉज नो मेजर बैड न्यूज, एंड वो कहते हैं कि नो बैड न्यूज इन टैक्स इज अ गुड न्यूज. तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस कि स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, उसके अलावा भी बाकी रीजंस थे, लेकिन वन ऑफ द रीजंस उस दिन 5% से सेंसेक्स जो है वो ऊपर बढ़ा, और बाकी भी इम्पैक्ट जो है इन जनरल जो रिएक्शन रही प्रोफेशनल्स की एंड एक्सपर्ट्स की, दैट इज गुड टुवर्ड्स द बजट एज वेल एज द टैक्सेशन अमेंड. तो देर वॉज नो मेजर चेंज, ऐसा कुछ हिला के नहीं रख दिया, लेकिन जो छोटे मोटे प्रोसीजरल चेंजेस जहाँ पर रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो उन लोग ने फुल लाए. तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू एंजॉयड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंस बिल. आपको कुछ भी इसमें लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आपके कुछ भी कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक्स है तो आप जरूर दीजिए. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर टॉपिक. थैंक यू.